जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 वापस लेकर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर बड़ी बात बोली जिस पर विवाद होना तय है। लंबे समय तक मीडिया से दूर रहने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 वापस लेकर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर बड़ी बात बोली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाऊंगी। यानी उन्होंने फिर से एक देश दो झंडे वाली सियासत को आगे करते हुए तिरंगा हाथ में लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि करीब 14 महीने की हिरासत से आजाद होने के बाद महबूबा की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान उन्होंने अपने टेबल पर जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ पार्टी का झंडा रखा हुआ था, जबकि अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा फहराने की अनुमति है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक मेरा झंडा हमारे पास है वापस नहीं आ जाता मैं कोई भी दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। फिलहाल मेरा झंडा मेरे सामने है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूट करके लूटी गई हो, जिसमें कि उन्होंने अपना जो संविधान है जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतन नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजिशन है या 35A है या हमारी जो स्पेशल पोजिशन है उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर। इट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ जो मुझे सुनेंगे मुझे देखेंगे कि जो चीज चुराई गई हो, जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुंच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, इसमें हम सब जमातों ने, आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, जब यहाँ फोर्सेस आ गए, जब यहाँ से बाकी चीजें की गई, यात्रियों को निकालना शुरू किया गया, तो हमें कुछ खदशात पैदा हुए और मैंने फारूक साहब से गुजारिश की कि वो सबसे सीनियर है हमारे, इज द टॉलेस्ट लीडर इस वक्त हमारे, तो वो एक मीटिंग कॉल करे ऑल पार्टीज की, हम सब बैठ के देखें कि क्या होने वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर जब फारूक साहब ने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे तो उनको चंडीगढ़ बुलाया गया तफ्तीश के लिए। कई घंटे उनकी तफ्तीश हुई, जब वहां से वापस आए उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई और फिर फारूक साहब ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं, तो हम सब सजाद लोन साहब बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ हम वहीं चले गए और वहां हमने एक ऐलानिया जिसको गुपका डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें मेन स्ट्रीम पार्टीज जो यहाँ की हैं हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये यादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.